अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है कि आप सब लोग जो है वो बिल्कुल ठीक होंगे और घर में जो है वो आप सब लोग एंजॉय कर रहे होंगे। मैं इस वक्त यहाँ पे सिटी गर्ल्स कॉलेज के अंदर मौजूद हूँ जी, और यहाँ पे हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो एक यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है, उसमें वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करते हैं जी। और रिकॉर्डिंग के बाद अभी मैं थोड़ा फ्री हुआ था तो मैंने सोचा चलें जो अपने व्यूवर्स हैं उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लिया जाए। तो उम्मीद है कि सब लोग जो है वो ठीक होंगे। तो अब ऑफिस की जानिब चलते हैं जी। यहाँ का जो व्यू है काफ़ी खुला माहौल है जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे अच्छा खासा ग्राउंड टाइप है जी। ऑफिस चलते हैं जी इसमें। तो हम लोग जो है वो सिटी गर्ल्स कॉलेज के ऑफिस में मौजूद हैं और मेरे साथ यहाँ पे रिजवान भाई बैठे हुए हैं जो कि इस वक्त जो है वो स्टूडेंट्स की रजिस्ट्रेशन का काम कर रहे हैं। तो इनसे बात करते हैं कि कितने लोगों की रजिस्ट्रेशन इन्होंने कर ली है और कितने लोगों की रजिस्ट्रेशन बाकी है, और उनसे जानते हैं कि ये काम जो है ये किस कदर जो है ये मुश्किल है या आसान है। तो उन्हीं से जानते हैं उनकी ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम रिजवान भाई। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं क्या? अच्छा सर, मैंने एक बात नोट की है कि मैं सुबह से, मतलब जब से आया हूँ, मतलब सुबह अल्हम्दुलिल्लाह 8 बजे से मैं आया हूँ और आप माशाल्लाह ये शायद 5:30 बजे ओपन करते हैं। तो उस वक्त से लेके लगातार आप जो है ऑफिस वर्क में रहते हैं जाते हैं और कभी डॉक्यूमेंट उठाए फिरते होते हैं आप, बच्चों की रजिस्ट्रेशन सुना है आजकल हो रही है 9th क्लास के बच्चों की, तो कैसा फील कर रहे हैं आप? मतलब ये काम मुश्किल है या आसान है, क्या कहते हैं आप? सर पहली बात तो ये है कि काम कोई भी आसान नहीं होता। अच्छा, तो जब इंसान को करना आ जाए तो फिर मुश्किल भी नहीं होता। सही। अब तो इससे दिल लग गया है, ये रूटीन बन गया है, अब तो महसूस नहीं होता वैसे मुश्किल। अच्छा। भी और ऐसे करते रहते हैं तो फिर इसलिए। जो मेरे व्यूवर्स हैं अगर इनमें से किसी ने 9th का रजिस्ट्रेशन या एडमिशन वगैरह भिजवाना हो तो आपसे कांटेक्ट कर सकता है? जी जी बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, करंट जो हालात चल रहे हैं पाकिस्तान के, आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मतलब गवर्नमेंट के बारे में आपकी बात में ऐसा है कि आजकल कोरोना वायरस का मामला चल रहा है। अच्छा, बहुत ज़्यादा। आपको पता है पूरे पाकिस्तान में लॉकडाउन है, बहुत से कारोबार मुतासर हैं और ये हुकूमत का भी वही हाल है, यानी कि कोरोना जिस्म के अंदर दाखिल होकर वही हाल करता है जो आज ये माशाल्लाह एंजॉय कर रहे हैं। ये हमारे साथ रिजवान भाई हैं जी। रिजवान भाई क्या हाल है? अच्छा, तो पबजी बंद हो गई, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? पता ही नहीं हुआ है क्या अपना बंद हो गया। चलो, अच्छा आपने कभी नहीं खेली पबजी? मैंने कभी जी नहीं खेली पबजी, तो दूर की बात है। अच्छा, मतलब आप कभी कोई गेम नहीं? हाँ जी भाईजान, इधर दसो तो सही। जी जी, पबजी आपने कभी नहीं खेली? नहीं नहीं कभी नहीं खेली। मजे की बात, मैं भी कभी नहीं खेली। अच्छा, उसके राह का नहीं पता हुआ यार, ये क्यों हो जाता है? ये कुछ भी नहीं है प्रॉब्लम, ये ठीक है। अच्छा, आपने कभी कोई गेम खेली नहीं है? यार ये हर बंदा जो है वो रेसिंग कार में लगा हुआ है, फाइटिंग में लगा हुआ है, गेम में खेल रहा है, आपने कभी नहीं, मतलब जो है क्यों नहीं? बस टाइम ही नहीं मिलता गेम खेलने का। अच्छा चलो फिर ठीक है, अच्छी बात। तो सड़के वाले से तो ये बात है कि अगर आप लोग घर में फ्री बैठे हैं तो आपको पढ़ना चाहिए, आज नहीं तो कल एक मानी दो मानी सर के पास स्कूल तो खुल नहीं है, आपके पास ये मौके अभी बैठ के आप अपनी ऑनलाइन स्टडी अगर कर सके ना तो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इस हवाले से हमारा चैनल है इल्म हेल्पर, आप वो विज़िट कीजिए, हमारी वेबसाइट पे आपको मुकम्मल एजुकेशन के हवाले से तमाम अपडेट्स भी मिलेंगी, आप उनसे भी मदद ले सकते हैं और एजुकेशन के हवाले से भी आप हमारी इल्म हेल्पर से तमाम लेक्चर, वीडियो लेक्चर जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी और बहुत अच्छे मैार में पढ़े, आप उनसे मदद लेकर अपनी स्टडी जारी रख सकते हैं। सुन ले भाई, तमाम स्टूडेंट्स इस बात को फॉलो करेंगे
ठीक हो गया। तो थैंक यू रिजवान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, अपना कीमती वक्त आपने जो है हमारे साथ ज़ाय किया, और इसके लिए हम आपके बे इंतहा मशकूर व ममनून हैं कि आपने अपनी जो है वो मसरूफ़ तरीन जो है वो ज़िंदगी में से कुछ लम्हात हमारे साथ जो है वो शेयर किए। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, आपसे मुलाकात होती रहेगी। तो मेरे व्यूवर्स के बारे में लास्ट थोड़ा सा कहना चाहें, जो मेरा चैनल है उसके बारे में आप बिल्कुल आप देखिए, बहुत अच्छे व्लॉग पड़े हैं, जैसे कि सर के बहुत से कलीग मोहम्मद साजे साहब, जिनको बहुत अच्छी इंग्लिश आती है, हाँ जी, जो लोगों को मुतासर करना चाहते हैं, क्या इस हवाले से आप जरूर विजिट कीजिए आल इन वन मिंशनाबाद, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट भी बताएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऑल इन वन मिंशनाबाद को, और इसके साथ जो इल्म हेल्पर का चैनल आपको बताया गया है उसको विज़िट करें, वहाँ पे एजुकेशनल वीडियोस मौजूद हैं। आई होप कि आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आज के इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म कर लेते हैं जी, आप जो है वो मुझे इजाज़त देंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छे से व्लॉग में दोबारा आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।